अमेरिका में बिहार के 100 लोग हैं वो अमेरिका में फंसे हुए हैं, तो क्या यानी 2 महीने पहले उनकी वीजा समाप्त हो गई है, या फिर कई ऐसे छात्र हैं जो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे मगर उनकी कॉलेजें बंद हो गई हैं, अब उनके पास पैसे की किल्लत है। दूसरी समस्या वैसे लोगों के साथ भी है जो वहाँ पे घूमने गए थे अमेरिका मगर पिछले 2 महीने से वो वहाँ फंसे हुए हैं। तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में फंसे हुए हैं, वो सब बिहार से हैं। अब वो बिहार सरकार, भारत सरकार और भारतीय उड्डयन मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय से भी वो गुहार लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। आइए सुनिए अमेरिका से वो क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ USA वर्क परमिट वीज़ा पे आया हूँ, और जो कि पिछले 2 महीने से एक्सपायर्ड है, तो मैं अभी यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। मैं मेरी फैमिली के साथ यहाँ USA में अटका हुआ हूँ। लॉकडाउन की वजह से सारी फ्लाइटें बंद हैं। वंदे मातरम मिशन के तहत कुछ फ्लाइटें चल रही हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जो भी बिहार डोमिसाइल स्टेट से लोग हैं उन्हें किसी को कॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि फ़्लाइट ऐसी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो कि गया या पटना के लिए नहीं है। तो मेरी बिहार के मुख्यमंत्री, नागर विमान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, इनसे निवेदन है कि वो साथ में मिलके हमारे लिए एक फ़्लाइट का इंतज़ाम कर सके जो हमें USA से बिहार ले जा सके। मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, और मेरी ये गुजारिश है आप सभी से कि हमारी मदद करें। धन्यवाद। जी, मैं यहाँ अमेरिका में जीवन वीज़ा पे आया था जो 30 अप्रैल 2020 को एक्सपायर हो गया है, और वीज़ा एक्सपायर हो जाने से और कई सारी परेशानियाँ, उसके साथ साथ रहने का भी मसला है। एक छोटे से कमरे में आप देख सकते हैं कि मैं किसी तरह से हूँ और गुज़र बसर चल रहा है, लेकिन उम्मीद बंधी थी कि रिपैट्रिएशन फ़्लाइट शुरू होने के बाद हमें अपने घर वापस जाने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरे जैसे कई और यहाँ पे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो भी बिहार के लोग हैं, उन्हें पता नहीं क्यों कॉल ही नहीं आ रही है या सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है इस इवैक्यूएशन फ़्लाइट के लिए। तो अब स्थिति बहुत ख़राब है, चूँकि आमदनी का भी कोई ज़रिया नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस का मसला है, घर पे सारे लोग बहुत परेशान हैं, त्यौहार है, परेशानियाँ हैं, घर में कई हादसे हुए इस दौरान, अप्रैल के महीने में ही मेरी सास इस दुनिया से गुजर चुकी, तो बहुत परेशानी है, बहुत तरह की परेशानियाँ हैं। लेकिन कई बार हम ट्विटर पे भी लिख चुके, सरकार ख़ासतौर पे बिहार सरकार की तरफ से कहीं कोई अब तक रिस्पांस नहीं आया, या फिर कोई भी अथॉरिटी का अब तक कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं दिखा हमें, तो काफ़ी उलझन है। पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं बात आ रही, कब तक ऐसे ही हमें यहाँ परेशान रहना होगा। हाय, मैं गया का रहने वाला हूँ। कैलिफोर्निया में जॉब करता हूँ। मेरी मदर और मदर इन लॉ US आए थे घूमने के लिए, और अप्रैल में वापस जाना था। मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट हैं, BP, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज, थायराइड भी है। उन्हें मेडिकल केयर की अर्जेंट ज़रूरत है। वंदे भारत मिशन के तहत हमने रजिस्टर किया था, लेकिन अभी तक किसी भी बिहारी को कोई कॉल नहीं आई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अदर स्टेट्स की तरह बिहार के लोगों को भी इवैक्यूएट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मेरा नाम अविनाश है। मैं और मेरी वाइफ पिछले 3 महीने से यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क में फंसे हुए हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। हम लोग काफ़ी लोग बिहार के हैं जो भारत जाने के लिए वापस जाने के लिए इच्छुक हैं। वंदे भारत रिपैट्रिएशन फ्लाइट में रजिस्टर कर चुके हैं, पर बिहार के लिए अभी तक से किसी भी तरह का भी बिहार के लोगों को कॉल नहीं आया है। हम लोगों का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिहार, पटना, गया, कहीं भी हम लोगों को जाने का मौका मिले, कि अपने परिवार से मिलने का एक हम लोगों का रास्ता बन सके। प्लीज़ 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 हम लोगों को बिहार के लिए एक रिपैट्रिएशन फ्लाइट का इंतज़ाम करवाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ।
मैं यूएसए एज अ स्टूडेंट आई थी 14 फेब को. मेरा कोर्स मार्च में चालू होने वाला था, विच हार्ड जो हार्डली 2 हफ्ते चला और सब कुछ बंद हो गया उसके बाद. और मैं कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली, और इंडिया में भी अभी कुछ खास काम चल नहीं रहा जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सके. तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें, क्योंकि एयर इंडिया भी सिर्फ मेट्रो सिटीज़ को लेके ही कंसर्न है, हम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. हमने एम्बेसी में भी कॉल किया लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. वो बोल रहे कि आपके स्टेट का अनलेस एंटिल नहीं आता डायरेक्ट फ्लाइट, हम लोग आपको नहीं भेज सकते हैं. बट यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, इतने पैसे डालना, इतना खर्च करना मुश्किल है, क्योंकि कम्प्लीटली हम लोग डिपेंडेंट है. प्लीज़ हमारी मदद करिए.